आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के कोफ्ते। गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे छोड़ देंगे। थोड़ा सा नमक डाल के इसे हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हमने बारीक बारीक प्याज काटी है, प्याज हरी मिर्च काटी है, हरा धनिया काटा है। अभी इसे हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे, जिसका इस तरीके से निचोड़ेंगे गोभी का सारा पानी निकल जाए। हमने सारी गोभी निचोड़ ली है। उसके बाद हमने जो बारीक बारीक प्याज हरा धनिया काटा था वो सब हमने मिक्स कर दिया है। हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें आधा कप बेसन डालेंगे। आधा कप बेसन डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से हम ये लड्डू है सारे लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये सारे लड्डू बन चुके हैं। ऑयल गरम हो चुका है। एक चमचा ऑयल दिया है हमने। अब इसमें जो हमने ये लड्डू बनाया अभी इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये सारे लड्डू फ्राई कर लेंगे। ये हमने टमाटर लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, इनकी प्योरी बना लेंगे। ये देखो ये ब्राउन हो चुके हैं हल्के हल्के। इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक तेजपत्ता का पत्ता लिया है, दालचीनी लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया, एक बड़ी इलायची लिया, दो लौंग लिया। ऑयल गर्म हो चुका है, हमने ऑयल में डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, प्याज का पेस्ट लिया है। अब इसे इसमें डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे भूनने के बाद टमाटर की प्योरी डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है हमने। अब इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये मसाला हमारा भून चुका है। अब इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसमें आधा कप पानी डालेंगे। इसे 2 मिनट तक उबाल लगा लेंगे अच्छी तरीके से। पानी में उबाल आ चुका है। हम इसमें जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो डाल देंगे। हमने कोफ्ते डाल दिए हैं, आप देख सकते हो ये पक चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये हमारे कोफ्ते की रेसिपी तैयार हो चुकी है बनके। आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक।